तात की हाथ में तलवार की जगह संविधान को थमाया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अनोखी पहल दिखी है। परंपरागत मूर्ति की तरह इसके एक हाथ में तराजू तो है पर दूसरे हाथ में तलवार की जगह भारत का संविधान है। यह बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हाथ में तलवार की जगह संविधान पकड़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया गया है। ये यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्याय की मूर्ति की आंख से पट्टी हटाई गई, तो आंखों से पट्टी हटी है, आंखों पर पट्टी लगी हुई तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुरानी मूर्ति की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आंखों से जो पट्टी हटी है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो न्याय की मूर्ति की आंख से पट्टी हटाई गई, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ में तलवार की जगह संविधान पकड़ाया गया है, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति में यहां पर बदलाव किया गया है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों तस्वीर, जो अभी की तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो पुरानी तस्वीर है वो भी आप देख रहे हैं। और बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, कब ये बदलाव किया गया है और क्या कोई खास वजह इसके पीछे बताई गई है? देखिए, ये बदलाव जो है वो तो पिछले कुछ समय पहले किया गया है, लेकिन जिस तरह से एक नया जो वीडियो है वो निकल के सामने आया है और इस वीडियो में जिस तरह से देखा जा सकता है कि जो कानून की देवी है उनमें जो एक कहा जाता है, अक्सर हम लोग टेलीविजन में देखते थे, पहले पोस्टरों में देखते थे कि कानून की जो देवी है उनके आंख से पट्टी बंधी होती थी, तो ये एक नया मूर्ति जो है उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कानून अंधा नहीं होता है और कानून को वो सब कुछ दिखाई देता है। दूसरी तरफ एक हाथ में जो संविधान है तो संविधान का मतलब ये बताने का प्रयास किया गया है कि संविधान सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। तो एक तरफ से कहा जा सकता है कि कानून एक तरफ से सब कुछ देखता है और दूसरे हाथ में कानून जो की जो संविधान की जो किताबें हैं उस संविधान की किताब हाथ में होने का मतलब है कि न्याय और न्याय के साथ साथ एक जो कहा जा सकता है तमाम जो तर्कपूर्ण जो इस तस्वीर के माध्यम से इस मूर्ति के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मूर्ति के कई मायने हैं और इस मूर्ति का जब अनावरण हुआ उस वक्त में खुद चीफ जस्टिस और इसके साथ साथ कई अन्य जज जो है वो साथ में थे। हालांकि ये मूर्ति के बारे में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो जज की लाइब्रेरी है सुप्रीम कोर्ट में उसके अंदर में मौजूद है, ये कंपाउंड बाहर का नहीं है बल्कि जजों की जो एक लाइब्रेरी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वहां पर ये मूर्ति है। तो कहीं ना कहीं ये मूर्ति का अब बाहर आना और उस मूर्ति के जो मायने हैं उसकी काफी तारीफ हो रही है और कानून की जो व्याख्या है जिस तरह से आप अपने अपने तर्क से लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस नए मूर्ति की जो तारीफ है उसके जो मायने हैं उसको समझा जा सकता है कि कानून की जो देवी है उसका आंख पे पट्टी नहीं बंधा होना और एक हाथ में पहले तलवार होता था लेकिन अब वो उसके जगह पर संविधान है। तो संविधान का जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र में उसका जो महत्वपूर्ण स्थान है उस बात को इस मूर्ति के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है और इसी वजह से शंकर क्या ये माना जाए कि बाकी जहां पर भी अदालतों में चाहे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बात की जाए, चाहे सिविल कोर्ट्स चाहे क्रिमिनल कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट्स या तमाम अलग अलग जगहों पर जहां पर भी कोर्ट्स में अगर तस्वीरें या मूर्तियां पुरानी लगी हैं तो वहां पर भी आने वाले वक्त में बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, हो सकता है ऐसा बदलाव आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, लेकिन ये प्राथमिक तौर पर ये एक जज की लाइब्रेरी का ये है और ये अभी अगर इस टाइप से अगर बदलाव होगा तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक तौर पर इसे लगाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो उसके जो कंपाउंड है हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहां लगाया जा सकता है ऐसी मूर्तियां या इस तरह की मूर्ति जब लगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं।